हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज प्रवीण पटवारी योर फ्रेंड एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्चुअल साइंस के बारे में। लाइक एक्चुअल साइंस एक ऐसा कोर्स है जिसमें इंडिया में सबसे ज़्यादा मिथ्स हैं, जिस कोर्स को लेके सबसे ज़्यादा मिथ्स हैं कि यार इस कोर्स में पैकेज कितना मिलता है, क्या 6-7 पेपर क्लियर करने के बाद अपने जॉब अच्छा मिलता है, यार हमने तो सुना है कि 1 करोड़ की भी सैलरी मिलती है। तो आज हम लोग जानेंगे सब कुछ मेरे साथ इन द एक्चुअल टाइम्स। सबसे पहला बात, आपका करियर, लाइक आपका करियर, यू बिल्ड योर करियर। तो कभी भी ना किसी को देख के कोर्स मत करना कि आपके घर में भैया हैं जो कर रहे हैं तो आप कर रहे हो। पहले आप जानो कोर्स को कि क्या है कोर्स में। लाइक एक्चुअल साइंस में हम लोग पढ़ते हैं मैथमेटिक्स, स्टेटिस्टिक्स, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स एंड वी स्टडी अबाउट बैंकिंग, वी स्टडी अबाउट इंश्योरेंस, वी स्टडी अबाउट स्टॉक मार्केट्स। तो इन सब चीज़ों को मिला के बना है हमारा एक्चुअल साइंस। तो प्लीज़ मेरा ये रिक्वेस्ट है आप लोग सबसे कि कभी भी ना किसी को देख के कोर्स मत ज्वाइन करना कि मेरा फ्रेंड कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ। पहले कोर्स के बारे में आप अच्छे से जानो, तभी आप उस कोर्स में बहुत अच्छा कर पाएंगे। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू सम एग्जांपल्स, रियल लाइफ एग्जांपल्स कि हम लोग कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं। सबसे पहले इंडिया में फ्यूचर सिर्फ 2 ही लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एक आपके सामने है, लाइक आप जाते हो कि हाँ ये हो जाएगा, इतना साल में शादी हो जाएगा वगैरह वगैरह जो भी बोलते हैं, आई डोंट नो कितना सच होता है। और एक होता है हमारे जैसे लोग। लाइक हमारा काम ऐसा नहीं है कि हम लोग लोगों का बता दें कि आप कितने साल जियोगे, इस साल में आपको बहुत बड़ा खतरा है, बट हमारा काम है ये बताना कि एक स्टॉक कैसा परफॉर्म कर सकता है, इंश्योरेंस कंपनी के प्रॉफिट फिगर्स को हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं। कोई भी कंपनी के पास जब बहुत सारा डेटा होता है तो हम लोग उसको यूज करके इंफॉर्मेशन में कंपनी के फेवर में यूज कर सकते हैं। लाइक मान लो हर कंपनी के पास में ना बहुत सारा डेटा होता है। लाइक मान लो मेरे पास मेरे स्टूडेंट का लिस्ट है, बट मैं अगर उससे कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन ड्राइव नहीं कर पा रहा हूँ कि वो स्टूडेंट कौन से कॉलेज से हैं, मेरा जो स्टूडेंट बेस है वो उसमें सबसे ज़्यादा कौन से कॉलेज से स्टूडेंट्स आते हैं, कौन से कॉलेज से मेरे पास स्टूडेंट्स नहीं आते हैं, तो ये सब टाइप का जो एनालिसिस होता है मैं आपको छोटे लेवल पर बता रहा हूँ। तो उस यूजफुल लाइक डेटा को यूजफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करके देने वाला जो आदमी होता है उसको हम लोग बोलते हैं डेटा एनालिस्ट, जो डेटा को, जो डेटा पे काम करके यूजफुल इंफॉर्मेशन डिराइव करता है ताकि कंपनी अच्छा परफॉर्म करे। ओके सो आप लोग सबने ये ऐड तो देखा ही होगा, लाइक अक्षय कुमार का ये ऐड है policybazaar.com, दिन रात ये ऐड आता है टीवी में, राइट? तो इसमें व्हाट दे आर ट्राइंग टू से आप देख सकते हो policybazaar.com। लाइक सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ व्हाट इज अ टर्म इंश्योरेंस। माई एज इज 23 राइट नाउ। फॉर एग्जाम्पल आई बाय 50 ईयर्स का टर्म इंश्योरेंस, तो इसका मतलब क्या है, आने वाले 50 साल में अगर मैं मर जाता हूँ तो इंश्योरेंस कंपनी मेरे को 1 करोड़ रुपए देगा मेरे मरने पे। बदले में इंश्योरेंस कंपनी कुछ मेरे से प्रीमियम चार्ज करता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 680 पर मंथ, लेट से सपोज 700 पर मंथ, तो कितना आया 8,500 एक साल का, आप इसको 10,000 मान लो, तो 10,000 को 50 से मल्टीप्लाई करो, लाइक एनुअल 10 आया ना, मैं आपको एकदम अपर एंड बता रहा हूँ, लाइक 700 अगर पर मंथ का हुआ तो 8,500 से 10,000 साल का हुआ तो 50 साल का कितना हो गया 5 लाख। तो आपने इंश्योरेंस कंपनी को 5 लाख दिया और आने वाले 50 साल में अगर आप मर जाओगे तो इंश्योरेंस कंपनी आपको 1 करोड़ रुपए देगा। क्या आपने कभी सोचा है कि ये कैसे पॉसिबल है? दिस इज वेयर आवर वर्क इज, वी आर इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इंश्योरेंस कंपनी इंडिया में जितनी भी सारी इंश्योरेंस कंपनीज है उसमें जितने भी सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं वो हमारे जैसे लोग बनाते हैं। वी आर इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड नॉट इन द सेलिंग डिपार्टमेंट। सो इंश्योरेंस इज अ वेरी बिग सेक्टर जहां पर हमारे जैसे लोग एम्प्लॉयड है। नेक्स्ट लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ सुपरमार्ट्स लाइक वॉलमार्ट। आपको क्या लगता है जब आप कोई भी शॉपिंग मॉल में जाते हो तो वहां पर जब आप कोई देखते हो कि लाइक यार किस तरीके से सामान रखा हुआ है, तो क्या वो रैंडम अरेंजमेंट है सामान का? आप देखते हो कि काउंटर के बगल में कुछ सॉक्स रखे हुए होते हैं या फिर मतलब टॉफीज रखी हुई होती हैं ताकि आप उसको फटाफट उठा लेते हो, लाइक मैं तो बहुत बार उठा लेता हूँ। तो इन सब के पीछे भी साइंस काम करता है या फिर हमारे जैसे लोग काम करते हैं। लाइक हर कंपनी के पास में बहुत सारा डेटा होता है, उस डेटा को यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके देने वाला जो आदमी है वो हमारे जैसे लोग है। लाइक वी कैन ऑल्सो वर्क इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स, ताकि जैसे वॉलमार्ट में ब्रेड के बाद में क्या रहेगा या फिर कोई एक पर्टिकुलर आइटम के बाद में, क्लोदिंग के बाद में क्या रहेगा ताकि उसका सेल्स का मैक्सिमाइजेशन हो, इलेक्ट्रॉनिक्स काउंटर को कहां पर रखें, लाइक पीपल का एवरेज टाइम स्पेंड क्या है, बहुत सारे टाइप के एनालिसिस होते हैं। लाइक अगर मैं आपको ये बोलूं कि अगर आप सारे स्टैट्स को मिला दो
तो आप एक मैच के आउटकम को प्रेडिक्ट कर सकते हो, उसका भी एक प्रोबेबिलिटी को आप डेराइव कर सकते हो, ऐसा होता है. बट लाइक नॉट 100% करेक्ट, बट यस यू कैन प्रेडिक्ट द आउटकम कि यार ये टीम स्ट्रांग है, इसने इतना जीता है वगैरह वगैरह. एंड अगर आप सारे स्टैट्स को एक साथ मिला दोगे तो आप एक मैच का आउटकम को प्रेडिक्ट कर सकते हो. बट ऑब्वियस सी बात है, ऐसा होता नहीं है बहुत बार, बट हाँ आप एक मैच के आउटकम को प्रेडिक्ट कर सकते हो. सो रॉ डेटा को यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके देने वाला एक आदमी होना चाहिए. सीक्रेट गेम्स लाइक नेटफ्लिक्स में जितने भी सारे शोज होते हैं, क्या आपको पता है नेटफ्लिक्स किस तरीके से शोज बनाते हैं? और नेटफ्लिक्स का सारा शोज का सक्सेसफुल होने के पीछे एक राज है. लाइक नेटफ्लिक्स वही दिखाता है जो आप देखना चाहते हो, बेस्ड ऑन योर सर्च हिस्ट्री कि यार लोगों को किस टाइप की मूवीज पसंद है, किस टाइप के शोज पसंद है, कौन से एक्टर एंड एक्ट्रेसेस पसंद है, कौन से टाइप का लाइक शो वगैरह पसंद है. तो वो उसी टाइप की चीज बनाता है बेस्ड ऑन योर सर्च हिस्ट्री कि लोग सबसे ज्यादा क्या सर्च करते हैं. एंड यस इट्स ऑब्वियसली अ सक्सेस. सो लेट अस लुक एट द नेक्स्ट एग्जांपल, पेंशंस. लाइक फॉर एग्जांपल आपने पूरी जिंदगी भर काम किया, आपका क्या होता है पेंशन? मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है. लाइक इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलता है, लाइक लेट अस सपोज कि कोई भी आदमी है वो 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाएगा, तो 60 साल के बाद तो उसका कोई भी कैश फ्लो नहीं रहेगा, वो अर्निंग नहीं रहेगा, तो उस समय उसका घर कैसे चलेगा. तो मान लेते कि इंसान ने 25 साल की उम्र में कंपनी ज्वाइन किया, तो 25 से लेके 60 साल कितना साल हुआ, 35 साल उसने कोई एक कंपनी के लिए काम किया. तो कंपनी क्या बोलता है, सर आप अपने सैलरी का 5% दीजिए, मैं भी 5% ही डालूंगा आपके सैलरी का. लाइक कंपनी क्या बोलता है एम्प्लॉय को कि आप अपने जैसे फॉलो फॉर एग्जाम्पल एक एम्प्लॉय है जिसका सैलरी है मान लो 1 लाख, तो 1 लाख का 5% कितना हो गया, 5,000. तो कंपनी बोलता है आप 5,000 डालिए, मेरी तरफ से भी 5,000 मिला के एक फंड बनाते हैं और आपको वो रिटायरमेंट में देंगे ताकि आपका आने वाला जीवन एकदम आराम से चले. आप सुने होंगे ना मैं रिटायर्ड हूँ, पेंशन पे जीता हूँ, तो वो चीज़ पेंशन होता है. लाइक पेंशन इज अ वेरी बिग फील्ड जहां पर हमारे जैसे लोग काम करते हैं, पेंशन वैल्यूएशंस में काम करते हैं. अगेन स्टॉक मार्केट्स, हम लोग बता सकते हैं कि किस तरीके से स्टॉक परफॉर्म करेगा. लाइक देर इज अ पेपर नोन एज CM2 जहां पर फाइनेंशियल इंजीनियरिंग एंड लॉस रिजर्विंग के बारे में हम लोग सीखते हैं, दैट इज मेजरली ऑन स्टॉक मार्केट्स. एंड आगे जाके स्पेशलिस्ट जो पेपर्स होते हैं वहां पर भी आप चूज कर सकते हो कि फाइनेंस एज अ फील्ड, रिस्क एज अ फील्ड, इन्वेस्टमेंट एज अ फील्ड, आप चूज कर सकते हैं. लाइक बैंकिंग, लाइक बैंक में जब आप जाते हो तो जो फाइनेंस वाले जितने भी सारे प्रोडक्ट्स देखते हैं वो लोग आपको बोलते हैं कि सर आप पैसा डालो इधर में, डालो ऐसे, डालो वैसे डालो. तो जितने भी सारे प्रोडक्ट्स फाइनेंस प्रोडक्ट्स के पीछे का जो मैथ्स होता है ना वो इस कोर्स में कैप्चर्ड है. सो लोन्स वगैरह का जो डिपार्टमेंट होता है वो सारा हमारे जैसे लोग संभालते हैं. अब जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा, जब US में जब क्रेडिट क्राइसिस हुआ था तो उसका मेजर रीजन क्या था, देयर वर लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डिफॉल्टर्स. लोग लोन जो ले रखे थे वो चुका नहीं पा रहे थे, तो क्रेडिट रिस्क था. क्रेडिट रिस्क क्या होता है कि आपने किसी से पैसा लिया है और आप उसको चुका नहीं रहे हो, तो इसलिए बैंक्स डिफॉल्ट हुई. बैंक्स का जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग कि बैंक्स का जो रिस्क है वो बाकी सब सेक्टर्स में भी ट्रांसफर हुआ, एंड अल्टीमेटली द होल वर्ल्ड इकोनॉमी सफर्ड अ लॉट ड्यू टू द US क्रेडिट क्राइसिस. सो आजकल बैंक्स में प्रॉपर वेज है कि किस तरीके से हम लोग मैनेज कर सकते हैं रिस्क को. बेसिकली अवर टैगलाइन इज वी मैनेज रिस्क. तो जहां जहां पर पैसा है और पैसे के साथ में रिस्क है वहां वहां पर हमारे जैसे लोग काम करते हैं. अगेन डिजास्टर मैनेजमेंट, कैलकटा में काफी ज्यादा होता है. डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब क्या, अब एक मान लो ये जो ब्रिज का आप देख सकते हो दिस इज कैलकटा का, तो ब्रिज मान लो कहीं पर गिर जाता है तो मेरे को ये चीज से मतलब नहीं कि इसका कितने लोग मर रहे हैं वगैरह वगैरह. हमको सिर्फ ये मतलब है कि वो जो ब्रिज गिरा है तो उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा. जो लोग मर गए उनका अर्निंग होगा, ऑब्वियस सब आते हैं उसको फिर से ब्रिज को वहां पर जो भी सब डिसरप्शंस वगैरह हुए तो उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा. वी आर इनटू डिजास्टर मैनेजमेंट या फिर कैटास्ट्रॉफी मैनेजमेंट. कैटास्ट्रॉफी इज अर्थक्वेक आ जाना, बाढ़ आ जाना, तो ये सब सब डिजास्टर मैनेजमेंट भी हमारे जैसे लोग काम करते हैं. उसके बाद में
बॉन्ड्स की रेटिंग में हमारा रोल है। लाइक ये क्या है, लाइक जैसे मान लो मेरा एक क्रेडिट क्रेडिबिलिटी है, लाइक मैंने पास्ट में जितना बार भी लोगों से रुपया लिया मैंने कभी भी नहीं चुकाया है, मजाक कर रहा हूँ, कभी भी नहीं चुकाया। लेकिन मुकेश अंबानी ना फॉर एग्जाम्पल जब भी लोगों से पैसा लेते हैं ना बहुत ईमानदार है और सबका पैसा हमेशा चुका देता है, तो उसका जो क्रेडिट रेटिंग है वो बहुत हाई होगा। तो कंपनी जब लोन इशू करता है ना कंपनी को क्रेडिट रेटिंग मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो लाइक ट्रिपल ए डबल ए, ये क्या होता है कंपनी के पूरे फाइनेंशियल्स को स्टडी करना पड़ता है, कंपनी का पूरा फाइनेंशियल स्टडी करना पड़ता है, कंपनी का औकात है क्या, कंपनी जो पैसा ले रहा है पब्लिक का पैसा है, कंपनी का औकात है क्या चुकाने का ब्याज, कंपनी जो पैसा ले रहा है क्या कंपनी उसको ऐसे हवा में तो नहीं उड़ा दे रहा है, किस किस चीज़ के लिए पैसा ले रहा है। आप जब घर में मम्मी से पैसा लेते हो तो मम्मी पूछती है ना कि क्या करोगे पैसे का, तो वैसे ही होता है जब कंपनी को पैसा रेज करना होता है, फॉर एग्जाम्पल मूडीज है फिच है, तो ये सब क्या है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है, जैसे क्राइसिल है, तो ये सब जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है यहां पर भी हमारे जैसे लोग काम करते हैं, जितना भी सारा रेटिंग्स वगैरह देना होता है यहां पर भी हमारे जैसे लोग काम करते हैं। ओके पेटीएम, तो यू ऑल हैव सीन कि किस तरीके से पेटीएम ने अभी इंश्योरेंस चालू किया है। पेटीएम क्या बोलता है कि आपका फ्लाइट का टिकट का कॉस्ट सर 10,000 रुपये है, भगवान ना करे कि लास्ट मोमेंट अगर आपका प्लान कैंसिल हो जाए तो आप हमारे से आपका टिकट का इंश्योरेंस करा लो, मूवी टिकट का इंश्योरेंस करा लो। जैसे मान लो 10,000 का फ्लाइट टिकट है, बोलता है सर आप मेरे को 500 रुपये दे दो और अगर आप 24 घंटे के पहले मेरे को बताते हो कि आपको नहीं जाना है तो हम आपका पूरा 10,000 रुपया वापस कर देंगे। तो दिस इज इंश्योरेंस। इंडिया में अभी करेंटली इंश्योरेंस का जो पेनिट्रेशन है वो थोड़ा लो है, बट धीरे धीरे करके वो एक्सपैंड करेगा। लाइक जैसे देखो मूवी टिकट तक का इंश्योरेंस, आप जब फोन लेने जाते हो तो आपके फोन का भी इंश्योरेंस होता है। वो लोग क्या बोलते हैं कि सर आप इतना महंगा फोन ले रहे हो, आप आईफोन 11 ले रहे हो जो कि जिसका कॉस्ट इज 1,00,000 रुपीज, तो आप उसका 10% मेरे को दो, 2 साल के अंदर में आपका फोन में आग लग जाए, पानी में डूब जाए, गिर के टूट जाए, कुछ भी हो मैं आपको इंश्योरेंस करके देता हूँ आपके फोन का। आप गाड़ी लेते हो, आप बहुत मुश्किल से गाड़ी ले पाते हो, गाड़ी ठुक जाए, गाड़ी में बैठा आदमी ठुक जाए, अब जा रहे थे गाड़ी से और एक बस आ रहा था नीम तला, आपको नीम तला ही ले गया अगर, आई होप सो यू गॉट इट, तो उस केस में क्या होगा। ठीक है, तो हर जगह आप देख रहे रिस्क है और जहां जहां पर रिस्क है वहां वहां पर हमारे जैसे लोग काम करते हैं, बिकॉज वी आर बेस्ट इन मैनेजिंग रिस्क। एक्चुअली इसका टैगलाइन क्या है, रिस्क इज अपॉर्चुनिटी। ओके सो दिस इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कंपाउंडिंग। लाइक मैं आपको ये नहीं बोलूंगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कॉन्सेप्ट है टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, तो जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है उसको हर कोर्स में इज्जत दिया गया है, सी ए में, सी एफ ए में, एफ आर ए में, बट इस कोर्स में जितना रेस्पेक्ट दिया गया है ना वो और कोई कोर्स में रेस्पेक्ट नहीं दिया गया। एंड इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू नो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये समझाता हूँ ये क्या है, आप कोई भी स्मार्टफोन लेते हो तो स्मार्टफोन का कॉस्ट मान लो 40,000 to 50,000 का स्मार्टफोन लेते हो, तो आप अगर मान लो 10,000 to 15,000 का स्मार्टफोन लेते हो एंड यू सेव 30,000 टुडे, 30,000 का हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। आज आप स्मार्टफोन का कॉस्ट को अवॉइड करते हो ना, 30,000 का स्मार्टफोन लेते हो एंड हर हफ्ते मान लो अगर आप कहीं पर कॉफी वगैरह पीने जाते हो, खाली आपका कॉफी एक्सपेंस लाइक मैंने यहाँ पर लिखा है 1,500 per month, लाइक मान लो वीक में अगर आप एक बार कॉफी पीने जाते हो तो आप बस खाली उसको अवॉइड कर दो, लाइक मंथ में अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 cups ऑफ कॉफी को आप अवॉइड कर दो एंड यू डू दिस कॉफी अवॉइडिंग आउटसाइड, आप घर पे पियो एंड आप कॉफी को, मैंने बोलने का मतलब क्या है कि आप कोई भी आपका स्मॉल जो एक्सपेंडिचर है लाइक 1,500 per month, 50 रुपये एक दिन का, मतलब 1,500 रुपये हुआ, अगर आप सिर्फ ये करते हो फॉर 40 ईयर्स यू विल बिकम अ करोड़पति। यू कैन सी द कैलकुलेशन, दिस इज द कैलकुलेशन, लाइक इट कम्स टू रफली 7.5 crores, क्लोज टू 7.7 crores, लाइक दिस इज द कैलकुलेशन। लाइक इंडियन मार्केट्स गिव अस अ रिटर्न ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 15 to 17% रफली। सो खाली आपको एक स्मार्टफोन का कॉस्ट को अवॉइड करना था एंड 1,500 रुपये हर महीने, साउंड्स इंटरेस्टिंग राइट,
तो इसी टाइप के कैलकुलेशंस रहते हैं इस कोर्स में. ओके, व्हाई वी स्टडी इंटीग्रेशन. लाइक हमने 11 12 में इंटीग्रेशन कर तो लिया था, लेकिन क्यों कर रहे थे ये समझ में नहीं आ रहा था. कभी इंटीग्रेशन आता नहीं था लाइक रियल लाइफ में कि इंटीग्रेशन चलता हुआ दिख रहा है. लेकिन आपने 10th तक का जो मैथ्स किया है उसमें आप देख पाते थे कि यार प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब क्या होता है, आप समझ पाते थे. लेकिन अब आप देखेंगे कि इंटीग्रेशन को इंसान के जीने और मरने के प्रोबेबिलिटी में भी कैलकुलेट किया जाता है. इंटीग्रेशन को पैसों को बढ़ाने में भी यूज किया जाता है. तो ऐसा नहीं है कि आपको 11 12 जैसा बोरिंग मैथ्स करना है, आपको सारा रियल लाइफ रिलेटेड मैथ्स करना है. सर आप जो आसपास में देख पाओगे हो रहा है आप वैसा ही मैथ्स करोगे. आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि इंटीग्रेशन को इंसान के जीने या फिर मरने के प्रोबेबिलिटी में कैलकुलेट करेंगे, लेकिन हम लोग करेंगे यहां पर. सो अगेन, हु इज एन एक्चुअरी इज अ बिजनेस प्रोफेशनल हु डील्स विद द मेजरमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी. वी मैनेज रिस्क, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिशियन, स्टैटिस्टिशियन एंड एन इकोनॉमिस्ट. लाइक मैंने यहाँ पर बाकी चीज लिखा नहीं है, ऑब्वियसली फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट्स, रिस्क मैनेजमेंट. वी पहले ट्रेडिशनली क्या होता था ना, एक्चुअरीज मतलब इंश्योरेंस, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है. बहुत सारे फील्ड्स में हम लोग काम करते हैं. सो आवर एरियाज ऑफ वर्क, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का आई हैव गिवन द डिविजन, लाइक हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट्स, कंसल्टेंसी, पेंशन, डेटा एनालिटिक्स, बैंकिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट. सो यू हैव डिस्कस दीज थिंग्स. नाउ फॉर मोर अपडेट्स यू कैन वॉच माई सेकेंड वीडियो. थैंक यू.